नमस्कार, जीएच न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। सिख वेलफेयर फाउंडेशन ने सिख संगत के सहयोग से जिले के धारीवाल कस्बे में खालसा सजना दिवस को समर्पित पगड़ी मार्च का आयोजन किया। यह गुरुद्वारा नानकपुरी साहिब में समाप्त हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगत ने इस मार्च में भाग लिया। इस मार्च में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भी रंग बिरंगी पगड़ी पहनी थी। पगड़ी मार्च का आयोजन देश के इतिहास और पगड़ी के इतिहास के बारे में लोगों और सिख समुदाय की नई पीढ़ी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया। धारीवाल से जगजीत सिंह की रिपोर्ट। आज धारीवाल इलाके दी संगतां वालों दस्तार मार्च कढ़िया जा रहा। सतसंग ते कोई नवीं गल नहीं, अज तो 700 साल पहला चले जाइए तो भगत नामदेव जी ने परमात्मा नूं संबोधन किया सी, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल। मैं इन्हां पंक्तियां दा अर्थ करन तों समय दी बचत करदा होया अगे चल रहा कि परमात्मा ने दस्तार बधी हुई सी, खूब तेरी पगड़ी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं झूठला नहीं सकते। खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल 700-800 साल पहला भगत नामदेव जी ने बयान कर दिता। उपरंत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सारियां बरादरियां नूं कतर करके खंडे पाटे की बौल दे के ते खालसा पंथ साजिया, ते हर एक नूं दस्तार बख्शी, हर एक नूं सरदार होण दा जिहड़ा है उह रैंक दिता कि इत्थे जात नहीं वेखी जाएगी, इत्थे दस्तार वेखी जाएगी। मैं पहला भी बेनती कर चुका कि किसी मनुख की पहचान उहदी गुफतार, उहदी रफ्तार, उहदी दस्तार तो हुंदी आ कि मनुख की चाल किदां दी आ, मनुख की बोल चाल किदां है। तो जे उहने दस्तार सजाई है वह किसी बरादरी का होवे नूं कहणगे आओ जी सरदार जी बैठो जी। इस करके उस सरदारी का प्रदर्शन करन वास्ते ये सारे नौजवान मेरे वर्गे बुजुर्ग ही विच अज शमूलियत कर रहे ने कि समाज के लोगों आओ खालसा पंथ नाल जुड़ के दस्तार नूं मोहतबिर बनाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।